हेलो दोस्तों, राधे राधे। वजन होगा कम, इस वेट लॉस डाइट चार्ट से जल्द दिखेगा असर। बढ़ता वजन ना सिर्फ कमर से लेकर पेट तक का साइज बढ़ा देता है, बल्कि बॉडी को बीमार भी बना देता है। बढ़ता वजन कई बीमारियों जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, पित्ताशय का रोग, फैटी लीवर और हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार बना देता है। ये घरेलू टिप्स आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप वीडियो को लाइक जरूर करें। बाद में आप लोग भूल जाते हैं, आपकी एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर वन, वजन को कम करने के लिए पानी का भी अहम रोल होता है। पानी का अधिक सेवन वजन को कंट्रोल करता है। नंबर दो, बॉडी को एक्टिव रखे और डाइट का ध्यान रखें तो आसानी से बढ़ते वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर तीन, गर्मियों में कैलोरीज को दूर रखने के लिए फल लेना जरूरी है। तरबूज और मीठा नींबू लेना ज़्यादा बेहतर है। भोजन के 40 मिनट पहले या 2 घंटे बाद फल खाना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो फलों का जूस पीने से बचे, यानी फलों को सीधा खाए। नंबर चार, अपने घर में बैठ के पोचा लगाने से पेट की चर्बी कम होती है। नंबर पाँच, वजन को कंट्रोल करने के लिए कुछ फूड्स का सेवन जादुई तरीके से असर करता है। अगर 2 महीने तक इन फूड्स का सेवन रेगुलर कर लिया जाए तो आसानी से वजन को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है नंबर छः, एक्सरसाइज करें। वजन कम करने के लिए शारीरिक रूप से एक्टिव रहना बहुत जरूरी होता है। नंबर सात, उल्टे पांव चलो, मोटापे में कमी आएगी। नंबर आठ, गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर प्रतिदिन सुबह खाली पेट पीने से कुछ ही समय में परिणाम दिखने लगते हैं। कुछ जगहों पर तो इसी मिश्रण में 1 चम्मच नींबू रस भी डाल देते हैं। दोनों फॉर्मूले हितकारी है। नंबर 9, अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। नंबर 10, आप रोजाना 1 या 2 इलायची जरूर खाएं, इससे आपका पेट कम होने लगेगा। नंबर 11, वजन कम करना चाहते हैं तो सुबह, दोपहर और शाम में अश्वगंधा के 3-3 पत्तों का जरूर सेवन करें। इस डाइट को अपनाकर 1 महीने में ही 15 से 20 किलो तक का वजन कम हो जाएगा। अश्वगंधा एंटीऑक्सीडेंट्स गुणों से भरपूर होता है, जो वेट लॉस करने में बेहद असरदार साबित होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और फैट का जमाव कम करती है। नंबर 12, पेट की चर्बी कम करना है तो चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 13, गर्म पानी का सेवन करें। कोशिश करें कि सुबह उठते ही सबसे पहले हल्का गुनगुना पानी जरूर पिए। नंबर 14, गर्मी के दिनों में कई लोग दिन भर सिर्फ नींबू पानी और शहद का मिश्रण पीकर उपवास भी करते हैं। माना जाता है कि यह एक कारगर देसी फॉर्मूला है। दरअसल शहद एक कॉम्प्लेक्स शर्करा की तरह है, जो मोटापा कम करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। नंबर 15, मोटापा कम करने के लिए सौंठ, दालचीनी की छाल और काली मिर्च 3 ग्राम, तीनों चीज़ों को 3-3 ग्राम लेकर कुचल लिया जाए और चूर्ण बना लिया जाए। इसे पूरे चूर्ण को 2 हिस्सों में बांटकर 1 हिस्सा सुबह खाली पेट और दूसरा हिस्सा रात को सोने से पहले लिया जाना चाहिए। चूर्ण को 1 पानी में डालकर घोलकर पिया जा सकता है, बहुत फायदेमंद होता है मोटापा कम करने के लिए। नंबर 16, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो इस डाइट के साथ ही प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका योगासन जरूर करें। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 17, तला भुना हुआ चीज कम से कम खाना चाहिए। तली हुई चीजें वजन बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करती है। प्रोटीन युक्त आहार ले,
तली हुई चीजों का जितना हो सके उतना फ्रिज रखें। नंबर 18, अगर आप तेजी से वजन को गिराना चाहते हैं तो डाइट में कुछ सब्जियों का कच्चा या उबालकर सेवन करें। कुछ सब्जियां जैसे खीरा, गाजर, टमाटर, ब्रोकली, फूलगोभी, पत्ता गोभी का सेवन आप जी भर के कीजिए। आपकी बॉडी को पर्याप्त पोषक तत्व भी मिलेंगे और आपकी भूख भी कंट्रोल रहेगी। नंबर 19, पोषक तत्वों से भरपूर फ्रूट्स का सेवन करने से तेजी से मोटापे को कंट्रोल किया जा सकता है। वेट लॉस जर्नी को आसान बनाने के लिए आप डाइट में सिर्फ आम और केला से फ्रेज रखें, बाकी सभी फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। सभी लो कैलोरी फ्रूट्स का सेवन करने आपका तेजी से वजन कम होगा और बॉडी को पर्याप्त पोषक तत्व भी मिलेंगे। आप वजन कम करना चाहते हैं तो पूरा दिन भरपेट फ्रूट्स और सब्जियों का सेवन करें। नंबर 20, वजन कम करना चाहते हैं तो कोई भी अनाज की रोटी का सेवन नहीं करना चाहिए। रोटी का सेवन करने से तेजी से वजन बढ़ता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो पूरे दिन के खाने में एक टाइम ही सिर्फ रोटी खाए। आपको जिंदगी भर इस डाइट को फॉलो नहीं करना है। अगर आप अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो आप अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नंबर 21, घर में झाड़ू भी बैठ के लगाना चाहिए, इससे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। नंबर 22, इमली और आलू बुखारे का पानी पीने से शरीर की चर्बी पिघलती है और साथ ही चेहरे के दाग धब्बे भी दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 23, मसाला ओट्स सुबह के टाइम खाने के लिए। ओट्स एक बेहतरीन फूड है, फाइबर और आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर। ओट्स वजन घटाने के लाभ के लिए भी जाना जाता है, लेकिन दलिया को उबाऊ बनाने की बजाय आप इसे कई सब्जियों, मसालों और नींबू के साथ इसे एक अलग टेस्ट दे सकते हैं। यह पौष्टिक नाश्ता आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नंबर 24, मूंग दाल का चीला। मूंग दाल चीला के साथ अपने नाश्ते में प्रोटीन से भरपूर टेस्ट जोड़े। पिसी हुई पीली दाल से बने ये चीले न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि इनमें कैलोरी भी कम होती है। ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन और फाइबर का एक उत्कृष्ट स्रोत है जो आपको संतुष्ट करने में मदद के साथ वेट लॉस में भी सहायक होते हैं। नंबर 25, गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट ले। गर्मियों के दिनों में चाय का सेवन कम से कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। नंबर 26, लट जीरा या चिरचिटा आसपेरा के बीजों को एकत्र करके किसी मिट्टी के बर्तन में हल्की आंच पर भून लिया जाए और एक एक चम्मच दिन में दो बार फांकी मार ली जाए। बस देखिए कितनी तेजी से फायदा होता है, इससे बहुत जल्द आपका वजन कम हो जाएगा। नंबर 27, पुदीना की ताजी हरी पत्तियों की चटनी बनाई जाए और चपाती के साथ सेवन किया जाए तो काफ़ी असरदार होती है। आदिवासी पुदीना की चाय भी पीने की सलाह दी जाती है। नंबर 28, पीनट बटर और सेब। और पीनट बटर जरूरी पोषक तत्वों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जो वजन घटाने में सहायता करता है। सेब लो कैलोरी वाला होता है और फाइबर से भरपूर होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य प्रक्रिया है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर का परामर्श लेकर ही ये नियम अपनाएं। आपको आज की वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं। अगर ये नियम आप अपनाएंगे तो वेट लॉस करने में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।